नागौर शहर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया है कि पेयजल की व्यवस्था से जलदाय विभाग को मुक्त किया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है जो की जनता की समस्याओं का निस्तारण करेगी, जलापूर्ति के लिए प्रतिदिन रिपोर्ट ले जाएगी और साथ ही शिकायत के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी शुरू किया गया है। जहाँ तक शहरी क्षेत्र है नागौर विशेष तौर पर, इसकी वास्तव में समस्या है। इसकी समस्या का कारण ये है कि नागौर क्षेत्र में पानी सप्लाई के लिए जो सिस्टम के मेंटेनेंस का काम है वो राज्य सरकार के निर्देशों से नगर परिषद को दे रखा है। अब चूंकि नगर परिषद इस काम को करने के लिए एक्सपर्टाइज नहीं है और जो जलदाय विभाग है उसका उससे कोई संबंध नहीं है, तो वो इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि नगर परिषद के पास और नगर परिषद की इसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। इसलिए कुछ समय से ये दिक्कतें आ रही थी और दुर्भाग्यवश हम लोग भी चुनाव के कार्य में व्यस्त हो गए, फिर बीच में मेड़ता साइड में ज़्यादा व्यस्त हो गए क्योंकि वहाँ पहले चुनाव था, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। अब हम लोगों ने उसको भी दूर करने के लिए सभी सभी की मीटिंग ले ली और आज पुणे पूरे जिले के सभी PhD और AVNL के जो हमारे अभियंता हैं उनकी आज बैठक ली थी।